हरियाणा में एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल का आज चौथा दिन था। कर्मचारियों की हड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उन्हें और मजबूती मिल रही है। हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों को आज कांग्रेस का समर्थन मिला है। पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम खान सहित कांग्रेस के कई नेता धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी मांगे सुनी। देखिए स्टैंड हम तो इनके बीच में आए हैं, इनकी जो मांगे है उसकी जानकारी इन्होंने दी। ये पिछले एक हफ्ते से लगभग एक हफ्ते से यहाँ पर बैठे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने बीच बीच में और इस सरकार के सामने भी अपनी मांग रखी और इनको कई दफ़ा आश्वासन भी दिलाया गया। इतने लंबे समय से ये काम करते आ रहे हैं, इसमें किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, तब इनकी मांगों का समर्थन करते हैं कि जो सेवंथ पे कमीशन और रेगुलराइजेशन की इनकी जो मांग है जायज़ है, हम उसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल करे जाएंगे दोनों बातों पर इनकी। कांग्रेस का अगर राज आता है, रेगुलराइजेशन और सेवंथ पे कमीशन दोनों बातों पे इनका हम समर्थन करते हैं और दोनों ही बातों को रखा जाएगा और इनके दोनों बातों का समर्थन करते हैं। देखिए कांग्रेस, मैं तो ये कहूँगा, चलो ये तो अब धरना प्रदर्शन में है या पार्टी की बात रखी है तो कुछ अलग विषय, लेकिन कांग्रेस को अब हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, किसान है, नौजवान है, हर वर्ग से छत्तीस बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है।